अभी तक दिल्ली में टोटल 97 केसेस हुए हैं। इन 97 केसेस में 5 ठीक होके घर चले गए, 2 लोगों की डेथ हो गई थी, इनमें से एक व्यक्ति बीच में ही सिंगापुर चले गए थे। 89 केसेस बचे हुए हैं। इन 89 केसेस में एक पेशेंट वेंटिलेटर पे है, तो हम सोच सकते हैं कि वही थोड़े से सीरियस हैं, भगवान करे वो भी ठीक हो जाए। 2 लोग ऑक्सीजन पे हैं, बाकी 86 सभी स्टेबल हैं, और हमें उम्मीद है कि ये 86 भी और ये लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं तो उनके लिए भी दुआ कर मांग रहा हूँ जो कि वेंटिलेटर पे हैं, उम्मीद करता हूँ कि वो भी ठीक हो जाएं। इन 97 केसेस में से 24 केस मरकज़ के हैं। मरकज़ की पूरे घटनाक्रम पे मैं अभी बात करूँगा। 41 केसेस फॉरेन ट्रैवल वाले हैं, जो विदेशों में हमारे भारत के नागरिक रह रहे थे और पिछले महीने 2 महीने में उनको भारत लाया गया, वो केसेस हैं 41। वो केसेस हैं 22 केस ऐसे हैं जो उनके सीधे परिवार वालों के हैं, जो फॉरेन से आए थे लोग हमारे, उनके परिवार के लोगों को कोरोना हुआ, 22 केस ऐसे हैं। और 10 केसेस की अभी हम जांच कर रहे हैं कि वो किस नेचर के हैं। तो फिलहाल मैं ये नहीं कहूँगा कि दिल्ली के अंदर कोरोना लोकल ट्रांसमिशन भी अभी फ़िलहाल कंट्रोल में है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी नहीं हुई है।